नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की अच्छी और अधिक ट्रेलिंग के लिए आप लोगों को किस खाद व उर्वरक का प्रयोग करना है, इसके बारे में हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को शेयर करिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी उन किसान भाई लोगों को भी मिल सके जो अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं पहुंचे हैं। गन्ने की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट भूमि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। जब हम गन्ने की बिजाई करते हैं तो उसमें किसान भाइयों को ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है, लेकिन पेड़ी गन्ना में पैदावार घट जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हम किसान भाई लोगों को अपनी फसल में समय से खाद व उर्वरक का प्रयोग ना करना। इसके कारण आपके गन्ने में कल्लों के फुटाव की संख्या कम रह जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे दो तीन खाद व उर्वरक के मिश्रण बताएंगे जिससे आप लोगों के गन्ने के किल्लों का फुटाव अधिक होगा, जिसका प्रयोग आप लोग अपनी गन्ना कटाई के 10 से 15 दिन के अंदर अगर प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गन्ना एक लंबे समय में पकने वाली फसल है और इसमें अधिक खादों की भी आवश्यकता होती है। पेड़ी गन्ने में खादों की बात करें तो इसमें शुरू में ही नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि पौधों को फुटाव के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। इस समय पौध गन्ना कटाई के बाद गन्ने की जड़ों पर फंगस रोग अधिक मात्रा में भी लगता है, इसलिए हमें ऐसे मिश्रित खाद व उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जो लगभग गन्ने की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। 40 से 50 किलोग्राम यूरिया के साथ 10 से 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है और 1 किलोग्राम सल्फर का मिश्रण आप लोगों को तैयार करना है और उसके साथ 1 किलोग्राम टेबेको नोजल 10% उसका भी प्रयोग करना है और 250 ग्राम इथरल एथेनॉल इन सब की मात्रा का मिश्रण बना के प्रति एकड़ में आप लोगों को प्रयोग करना है। इन सब का प्रयोग आप लोगों को गन्ना कटाई के 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों को करना है और हमें इसमें हल्का सा पानी चला देना है जिससे जो हमने खाद और उर्वरक का प्रयोग किया है वह जड़ों तक पहुंच सके। अगर यह खाद हम सब अपनी फसल में प्रयोग करते हैं तो हमें अधिक से अधिक किल्लों का फुटाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय गन्ने को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये खाद व उर्वरक का प्रयोग करके आप भी अपनी गन्ने की पेड़ी की फसल से अधिक पैदावार पा सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।